हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बेसिकली क्या है कि इसका मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो है हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। मतलब अगर कोई हमारे पास फ्लूइड है, उसमें जो हीट को बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कोई हम हीट ऐड कर रहे हैं या हीट लॉस हो रहा है या कोई टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, तो जितनी हीट आएगी उतनी हीट जाएगी। तो बेसिकली हीट का हिसाब किताब हमें इसमें देखना होता है। इसके अलावा इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें पढ़ना होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। सो दिस इज नोन एज लिक्विड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, क्यू इज इक्वल टू एम एल होता है। एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन विच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड टू द गैसियस स्टेट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। एंड आफ्टर दैट एक रिलेशन होता है, सी बी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सी बी सी वी हैज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड सी वी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट ऑफ कॉस। देन हीट कैपेसिटी की हम बात कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी बेसिकली होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। ओके, इसके बाद जो कैलोरीमेट्री में हमें जो पढ़ना होता है वो एक ट्रिपल पॉइंट भी एक चीज़ होती है। ट्रिपल पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वाटर की तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, विच इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द केस ऑफ वाटर और 273 केल्विन, जहाँ पे गैस लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करें, उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट फॉर एनी लिक्विड। वाटर केस में 0 डिग्री होता है। देन हम एक सेल्सियस फेरनाइट और केल्विन के जो रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हैं, विच इज सी बाई 100 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल्स टू के माइनस 273 अपॉन 100। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैलोरीमेट्री के कुछ जो रिलेशंस होते हैं वो हीट ट्रांसफर के साथ होते हैं। जैसे एक रॉड है, अगर हम उसे दो अलग अलग सॉल्यूशंस में रख दें तो थोड़ी देर बाद उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, कि उसके बाद पूरी रॉड का टेम्परेचर हर पॉइंट का कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पॉइंट का सेम हो जाएगा, बट अगर हम एक एंड को 0 डिग्री के सॉल्यूशन के लिक्विड पे रख दें और एक को 400 डिग्री पे रख दें जो बहुत हीट अप हो रहा है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम कैलोरीमेट्री के सारे प्रिंसिपल हीट लॉस हीट गेन लगाने के बाद उस हर पॉइंट का जो टेम्परेचर हो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सेम नहीं होगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब जितना टेम्परेचर है, अगर आप किसी पॉइंट पे चाहें तो थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ करके, जो हमें हमने पढ़ी है हीट ट्रांसफर में, उसका यूज़ करके हम यहाँ इजीली उस पॉइंट का या उस रॉड के जो भी जो उसका जो एरिया है हम उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एच एच इज इक्वल्स टू के इंटू टी वन माइनस टी टू बाय एल। थैंक यू।